सिंहदेव ने दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने रमन सिंह की सभाओं को अनुमति न मिलने के पीछे किसी भी तरह की राजनीति होने से साफ तौर से इनकार किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी मनचाही सभाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उन्हें भी इसकी अनुमति नहीं मिली है। टीएस सिंहदेव दो दिन दंतेवाड़ा में प्रचार करके रायपुर से लौटे हैं। टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। आपकी पार्टी सत्ता में है, जाहिर तौर पे उपचुनाव में एडवांटेज होता है, कितने आश्वस्त हैं जिसको लेकर के? दंतेवाड़ा की पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि टफ है चुनाव। कुछ लोग ये भी कहते थे कि कांग्रेस कुछ पीछे दिख रही है। अभी वहां जाके जो मुझे अनुभव हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी काफी दिखा। बॉडी लैंग्वेज से इतना समझ में आ जाता है, दो चार लोग पुट ऑन कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग दिखावा नहीं कर सकते। तो बॉडी लैंग्वेज में कांग्रेस के जो साथी वहां थे उनमें परिवर्तन था, और जो जनरल फीडबैक मिल रहा है कि कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ और टक्कर में भी अब पलरा कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज की उसी के साथ साथ चित्रकूट की तैयारियां भी चल रही हैं, और चित्रकूट की तैयारियों में फिर से जो सांसद हैं उनकी वाइफ का नाम आ रहा है, तो कांग्रेस के दूसरे नेता परिवारवाद का आरोप भी लगा रहे हैं। ये आती हैं बातें, और मैं तो किसी को किसी परिवार के रूप में नहीं देखना चाहूंगा, व्यक्ति और कैंडिडेट के रूप में ही देखना चाहूंगा कि किसी ने अप्लाई किया किसी के लड़के के रूप में या किसी के पत्नी के रूप में, तो वो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अगर उनकी उपस्थिति मैदान में है, लोगों में स्वीकार रोकता है, तो वो आधार होना चाहिए कैंडिडेट बनने का। कभी कभी दुर्भाग्य से आज के समय में रिश्तेदार होना या बेटा होना या बेटी होना या पत्नी होना ये डिस्क्वालिफिकेशन हो जा रहा है। तो दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। टिकट किसी के रिश्तेदारी के कारण नहीं मिलना चाहिए और न कटना चाहिए। वहां जो नाम आए हैं, करीब 13-1 नाम आए थे प्रारंभिक बैठक में प्रदेश चुनाव समिति के, और प्रदेश चुनाव समिति में यही निर्णय हुआ था कि संगठन के माध्यम से एक बार और जानकारी ले ली जाए, तो ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी की इकाइयों के माध्यम से एक बार और छन के जो नाम है वो आ जाए, और फिर मुझे लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमेटी अंतिम निर्णय लेगी। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि जितनी सभाएं वो करना चाहते हैं उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। हम लोग की भी सभा पालनार में थी, प्रस्तावित सभा थी, हम लोग गए थे दंतेवाड़ा, तो पुनिया जी के साथ में हम लोगों को भी पालनार जाना था, और क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो सकी थी तो हम लोग को भी जाने नहीं दिया। सीधे ये था कि वहां बाय रोड जाना उचित नहीं माना जा रहा था, और सामान्य रूप से ये बात अधिकृत रूप से तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन आईडी की बातें सामान्य रूप से चर्चा में थी कि कई सड़कों में आईडी होने की संभावनाएं हैं। तो स्थिति वहां एकदम सामान्य मान के चला जाए और एकदम कोई भी कहीं भी जा सकता है, ऐसी स्थिति नहीं है, और जो लोकल लोग हैं वही प्रचार कर रहे हैं। आखिर ये चुनाव क्यों हो रहा है, उपचुनाव, ऐसी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी, वहां स्थिति को हम लोग सोचें कि सामान्य है, तो एकदम सामान्य स्थिति वहां नहीं है, चिंताजनक स्थिति है, कारण है, कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि एक चुने हुए एमएलए को वैसे ही बारूदी सुरंग के माध्यम से उड़ाया गया, उनकी हत्या हो गई, तो इसी कारण सबको एहतियात बरतने के लिए, और जहां इनपुट विभाग को मिल रहा होगा तो वही पाला पालनार में रमन सिंह जी को भी जाना था, मैंने सुना हम लोग को भी जाना था, हम लोग को रोका गया कि बाय रोड हम नहीं गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कि सिंहदेव साहब जो बता रहे थे कि दंतेवाड़ा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। कोरिया की कोर्ट में